नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर वन चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं अजय शुक्ल आपका इस्तकबाल करता हूं कि आपने हमें एक रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज हमारे साथ सामना सवालों का में आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला। बराला साहब वह व्यक्तित्व तो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पेड़ को एक बरगद बनाया है हरियाणा में, उनका एक बड़ा योगदान है, उनसे आपके सवालों का जवाब लेंगे। बराल साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। बराल साहब आप अभी हाल के दिनों में एक बड़ी जीत अर्जित करके आ रहे हैं, आपने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीती हैं। जी, उम्मीद की जा रही थी, जैसा लोक गणित सियासी गणित लग रहा था उसमें लग रहा था कि कुछ कम सीटें होंगी, लेकिन आपने सारी सीटें जीती। इस जीत में क्या कोई खेल है या जनता का आपको समर्थन? देखिए, एक तो मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ कि इस बड़ी जीत के बाद आपने मुझे सवालों का सामना करने के लिए स्टूडियो में यहाँ पर बुलाया है। जी, और जैसा आपने कहा है कि ये 10 जो सीटें आपने जीती हैं इसमें किस प्रकार का कमाल या एक शब्द और आपने प्रयोग किया है। देखिए अजय जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा जी, भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है जी। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी। हम अपनी पार्टी के सिद्धांत को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, नीतियों को लेकर के बीच में जाते हैं जी। और जो सरकार आज से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी जी। इस सरकार ने जिस प्रकार के काम देश में किए जी, हरियाणा में जो हमारी सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बनी, उसने जो काम प्रदेश के अंदर किए जनहित के, विकास के जी। इन दोनों ही सरकारों ने जनता का दिल जीतने का काम किया और उस जनता के अंदर जो स्वीकारिता बढ़ी जी। हमने संगठन के माध्यम से उस स्वीकारिता को वोट में परिवर्तित किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा जी। और हरियाणा की जनता का आशीर्वाद हमें भरपूर मिला जी। यही कारण रहा कि जब चुनाव से पहले हम लोग आप लोगों के सवाल का जवाब देते थे, आप कहते थे कि कितनी सीटें जीतेंगे, हम कहते कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे जी। इसी कारण से हमने इसीलिए आपसे पूछा कि आपने केंद्र में जब चर्चा होती थी तमाम सारे नेताओं से भाजपा के, तो 303 बता रहे थे, 300 प्लस बोल रहे थे, यहाँ पर हरियाणा में बात करते थे तो 10 की 10 बता रहे थे कि 10 की 10 जीत रहे हैं। तो इससे लोगों ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों के मन में एक सवाल उठा, वो लोग आपके विरोधी भी थे, उनका सवाल यही उठा कि आपने ये गणित कहीं पहले से सेट तो नहीं कर रखा था। देखिए, गणित कभी सेट नहीं होता, ये वैसा गणित तो है नहीं कहीं कि इसी कैलकुलेशन को हमने सेट करना है। हाँ, लेकिन जो जनता का जो माइंड सेट है जी, वो जरूर था जी। जनता ने पहले से अपना माइंड सेट कर रखा था जी। केवल भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा बूथ स्तर का जो संगठन है, प्रांत से लेकर के बूथ स्तर का जो संगठन है जी, सरकार और संगठन, इन दोनों में तालमेल बिठाते हुए उस हमारे बूथ स्तर के संगठन के माध्यम से हम जनता की जो स्वीकार्यता है जी, जनता के मन में जो पहले से एक भाव था कि हाँ भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट देना चाहिए, हम उस जनता को जिसने मन बनाया हुआ था उसको बूथ तक लेकर के आए, ये काम हमारे संगठन ने बखूबी किया और जनता और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके ये 10 सीटें जीतने का गणित बैठाया। बड़ा साहब, आपने पार्टी को, आपको जब जिम्मेदारी मिली उस समय में पार्टी एक जिस मुकाम में थी और आज जिस मुकाम में है, आज पार्टी को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई और है नहीं, तो जो है नहीं तो आपने खत्म कर दिया किसी ट्रिक से या जनता ने नकार दिया? देखिए, दोनों बातें हैं जी। उसमें एक तो जनता ने नकार दिया जी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का एक सतत प्रयास, भारतीय जनता पार्टी जिसकी यात्रा जनसंघ से शुरू हुई थी जी 1951 में, वहां से लेकर के जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद से लेकर के अब तक की जो चली है जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पार्टी के नाते व्यवहार, हमारे कार्यकर्ता का व्यवहार,
हमारे नेताओं का व्यवहार और हमारे नेताओं और पार्टी की जो जवाबदेही है जनता के प्रति जी, उसको जो हम सुनिश्चित करके चले जी, सालों साल से जी, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि सुभाष बराला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और पार्टी इतनी मजबूत होगी, नहीं, ये लगातार कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम। असंख्य ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए जी। उस सारे इस प्रकार की बातें मिल करके आज ऐसा एक वातावरण बना है कि चहुं ओर भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। दूसरी बात जी, हमारी सरकारों ने जो अभी मोदी जी की जो सरकार बनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो सरकार बनी, इन्होंने जो जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम किया जी, उसका परिणाम। और तीसरा, जो विपक्षी दल थे उन्होंने जिस प्रकार से निरंकुशता के साथ राज किया, ये सारे इस प्रकार के फैक्टर हैं। क्योंकि अगर पिछला आप भारतीय जनता पार्टी तैयार है हर जवाब देने के लिए, चाहे कांग्रेस के किसी नेता का हो या कहना है सुभाष बराला का, कहीं जाइएगा मत। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला हैं। बराला साहब, जब हम बात करते हैं हरियाणा की दूसरी चीज़ों की, अभी हाल के दिनों में दुष्यंत चौटाला हमारे पास आए थे, तो उस दौरान जब उनके साथ चर्चा हुई तो उन्होंने कहा आपने नौकरियां तो गिनाते हैं कि 68,000 दी, 60,000 दी, 35,000 दी, कितनी दी पता नहीं, जो दी असलियत में वो आंकड़ा फ्रॉड पर आधारित है, आपको उस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए, क्योंकि तमाम सारी नौकरियां आपने ज्यादा जो योग्यता वाले लोग थे उनको दे करके और ये कर दिया, वो नौकरी छोड़ते घूम रहे हैं। तो इस तरह से आपने एक भ्रम पैदा किया है। देखिए, एक बात तो शुक्ला जी, ये दुष्यंत चौटाला को भी समझनी चाहिए कि सरकार पद विज्ञापित करती है और आम आदमी जो उसके लायक अपने आप को समझता है या उसकी जो अर्हताएं हैं वो पूरी करता है, योग्यता पूरी करता है, वही व्यक्ति उसके लिए अप्लाई करता है। बिल्कुल, कोई एसएस कमीशन या एचपीएससी ने जाकर के जबरदस्ती तो किसी को कहा नहीं कि आप जाकर के फॉर्म भरिए, हम आपको नौकरी देंगे जी। व्यक्ति विशेष जो नौकरी के अंदर लगा है उसने आवेदन किया है जी, वो टेस्ट दिया है जी। अभी सरकार ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है। कोई एमए एमफिल कोई डॉक्टर आकर के कोई डी ग्रुप का एग्जाम दे ना दे, ये सरकार किसी के ऊपर पाबंदी लगा नहीं सकती। उन्होंने एक और चीज कही, कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कुछ अफसरान इस बात के लिए कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, दूसरी चीजें थे आरोप में, तो वो पकड़े गए, उसके बावजूद आपने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, मैं पूरी बात करूंगा पहले वाली शुक्ला जी। अब कोई एमफिल को डॉक्टर कोई डी ग्रुप में जाता है तो क्या क्या कमीशन उसको बाहर रख सकता है क्या? दुष्यंत चौटाला सांसद रहे हैं, इस प्रकार की बच्चों जैसी बात उनको नहीं करनी चाहिए। अब तो एक पार्टी के मुखिया भी हैं वो जी। और दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि एसएस कमीशन में इस प्रकार का हुआ है, एक बार कहीं कोई चर्चा आई थी, पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ है कि ऐसे लोग जी, जो केवल इस प्रकार का एक माहौल खड़ा करके लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे कि आपको नौकरी दिलवाने का हम काम करेंगे जी, वहां तक वो पहुंच नहीं पाए थे, उस सिस्टम तक पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन ऐसा प्रयासरत वो लोग थे। प्रयासरत लोगों के खिलाफ भी इस प्रकार की कार्रवाई करना ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के इतिहास में हुआ है। इसलिए दुष्यंत जी, आप अपना थोड़ा सा काम परिपक्वता से आप करिए, ठीक ठीक बात करिए, वरना लोग क्या आपकी बात पर पहले विश्वास नहीं करते, वो ज्यादा अविश्वास करेंगे। यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरी उसकी प्रतिद्वंदियां पार्टी थी उन्हें खत्म करने में तुल गए, इन्हें लोगों को आपने तोड़ करके लगभग अपने में मिलाने का काम किया है। अब कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे लोगों से चल रहा है, वो भी शायद तमाम सारे लोग जल्दी आपके साथ होंगे या जैसे हो, इस तरह से करके तो कुल मिला के आपने विपक्ष को यहाँ से खत्म कर देने का बीड़ा उठाया है क्या? देखिए, हमने किसी को खत्म करने का बीड़ा नहीं उठाया जी। हमने एक बीड़ा उठाया है भारतीय जनता पार्टी जी को हम मजबूत करें जी, सर्वसपर्शी और सर्वव्यापी आधार भारतीय जनता पार्टी का हो, समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता हो, सभी स्थानों पर स्वीकार्यता हो।
अगर हम चुनाव के एंगल से बात करें तो हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आए। हरियाणा में 20,000 से लगभग थोड़े से ज्यादा बूथ हैं, हमारा केवल यही टारगेट है। और वो जीत करके हम लोग जो सत्ता प्राप्त करें वो सत्ता केवल अपने लाभ के लिए नहीं जी, जनता के लाभ के लिए, जनता के भले के लिए उस सत्ता का प्रयोग करें जी, यही लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। पहले के लोग वो सत्ता प्राप्त करते थे किसी न किसी तरह से, येन केन प्रकारेण, और सत्ता का उपयोग किस लिए करते थे, जनता का भला हो ना हो पहले अपना भला चाहिए, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने आसपास का भला चाहिए, इस आधार पर काम करते थे जी। हम उनके बिल्कुल उलट करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, हमारे लिए पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति है, हम इस आधार पर काम करते हैं जी। हमारा लक्ष्य केवल यह है, ये काम करते करते अगर कोई पार्टी खत्म होती है तो कल होते आज हो जाए, हम केवल सत्ता प्राप्त करके जनता के भले के लिए काम करते हैं, यही करते रहे। आप अभी अपनी पार्टी का रोहतक में आपने पूरी 2 दिन तक जो मंथन चला, सारी रणनीति तय करी, तो चूंकि विधानसभा चुनाव है निश्चित रूप से उसके लिए तैयार होना है, तमाम सारी चीजें आपने अपने यहाँ करी, पन्ना प्रमुख और दूसरी चीजें बनाई, तो इन सब चीजों के बाद में क्या लगता है कि सिर्फ रणनीति ही जीत का आधार होना चाहिए या जनता के बीच जा करके उनसे जोड़ करके जनता के को अपने साथ मिला करके जीत होनी चाहिए? देखिए इसमें बल्कि दोनों में तीसरी भी बात कहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी इस बात को कहा उसी को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो मैंने कहा कि हम सत्ता चाहते हैं लेकिन सत्ता अपने लिए नहीं, सत्ता जनता के लिए चाहते हैं। और इसीलिए तो जो आपने पहले भी के सवाल में भी कहा कि दूसरे धुरंधर लोग दूसरे दलों को भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और वो दल खत्म होते जा रहे हैं, वो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो या कोई विधायक पूर्व मंत्री पूर्व सांसद हो, ऐसे सब लोग आ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हैं उनको हम सब लोगों को ले रहे हैं, जो जनता का भला चाहते हैं वो आकर के हमारे साथ आए ना, मजबूती के साथ खड़े होना। अगली बात ये है, आपने कहा कि केवल रणनीति नहीं है, देखिए मैंने एक बात पूरी की है मेरी, जनता के भले के लिए हम लोग काम करते हैं और जनता के बीच में जाकर के हम लोग हर बूथ के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी एक बात कही, हम पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाएं, सर्वस्पर्शी यानी कि सब लोगों के साथ मिलना, सब लोगों को साथ जोड़ना और सब क्षेत्रों में जाना, तो जनता से जुड़ाव ही तो है जी। हम जनता के बीच में जाकर के संगठनात्मक कार्यक्रम लेकर के भी जाएंगे और जाते भी हैं और जनसंपर्क के अभियान के नाते पहले भी गए हैं जनता के बीच में और अब भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। अब कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा प्रदेश में चल रही है, सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की एक रथ यात्रा लेकर के बीच में जाएंगे, जन आशीर्वाद यात्रा, जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए जाएंगे, जनता के बीच के कार्यक्रम होंगे। और इन 4.5 साल से ज्यादा के समय, लगभग 4.5 साल का समय हो गया, इस समय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता और खुद मुख्यमंत्री आपके सामने है कि कितनी बार जनता के बीच में गए हैं। इसी बात को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि जहां पर यह कहना है, चाहे दूसरे आपके दलों के लोगों का कहना हो, चाहे जनता में कहना हो, उनका यह कहना है कि ये जो हमने लोकसभा चुनाव जो हुआ वो मोदी जी के चेहरे पर जीता गया, मोदी जी का वो था। इस पर दुष्यंत चौटाला का यह कहना था कि ये मोदी जी के नाम पे चूंकि लोकसभा चुनाव जीता गया था और उनके विपक्ष में कोई इतना बड़ा लीडर नहीं था इसलिए यहां पर वो जीत हासिल कर सके। अब विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में जो मुद्दे होंगे वो स्थानीय होंगे, राज्य के होंगे और उन मुद्दों में आपके हाथ में विफलता है। ठीक है, अगर उनकी बात को हम ठीक मान करके अगर बात आगे बढ़ाएं तो लोकसभा चुनाव तक तो आम जन भी हमारे साथ जुड़ रहा था मोदी जी के कारण से, उनकी पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारे साथ आ रहे थे, तो ये क्या कारण है जी? ये चुनाव लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद से लेकर के उस दिन से लेकर के 23 मई को चुनाव के परिणाम आए थे और आज तक जी, और आने वाले दिनों में भी इनकी पार्टी के, इनके परिवार के लोग, चाहे वो इनका पहले संयुक्त परिवार यानी कि पार्टी के रूप में था या आज जेजेपी और आईएनएलडी की बात करें और या कांग्रेस की बात करें, छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वर्तमान विधायक तक क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है जी? जवाब वही दे देना। अगर हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रति लोगों का स्नेह ना हो
प्रेम ना हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका लगाव ना बढ़ा हो, तो लोग क्यों आएंगे? आ जा रहे हैं ना, धड़ाधड़ आ रहे हैं, अभी तक आए भी हैं और भी आएंगे। दुष्यंत जी को आंखें खोल करके देख लेना चाहिए। आपके यहाँ एक वो कहा जा रहा था अभी इन दिनों में, जैसे कहा गया कि 75+, तो 75+ का है, तो 75+ के फार्मूले को पाने के लिए जो आप, उसके लिए क्या रणनीति आपने तैयार की है, किस तरीके से जनता से करी है, या ये सिर्फ शगुफा रहेगा? कोई शगुफा नहीं है शुक्ला जी, कोई शगुफा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहे वो, आप 75+ कह के डरवा रहे हैं? नहीं, कहीं किसी को नहीं डरा रहे हैं, डराने का कोई मतलब नहीं है। और डरे हुए तो वो लोग हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं शुक्ला जी। आम आदमी या कोई विरोधी दल जो ठीक रूप में काम करता है, जनता की भावना को लेकर का काम करता है, चाहे कोई दल है चाहे कोई वहाँ का नेता है, जो ठीक रूप से काम करता है कभी डरता नहीं है किसी से, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में है। हम, हमारे संगठन की जो ताकत है और जनता का जो विश्वास हमें पूर्व में मिला है और अभी मिलने वाला है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि 75+ भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। हमें जनता पर विश्वास है और हमारे कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, हमारा कार्यकर्ता तो उस समय भी बूथ के ऊपर जाकर के संघर्ष करता था, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जाता था, जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि हम अपने सिद्धांत को लेकर के चलते थे, हम पार्टी की नीति को लेकर के चलते थे। इस बात का हमें विश्वास था कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम लोग जनता का भला करेंगे। उसी बात को लेकर के आज तो कार्यकर्ता आत्मविश्वास से शुक्ला जी लबरेज है, इसलिए कार्यकर्ता और ज़्यादा ताकत के साथ घर घर के अंदर जाएगा, प्रत्येक मतदाता से मिलेगा और हमने जो काम किया है उसको बताएगा और भविष्य में जो हम करने वाले हैं उसको जाकर के बताएगा। इसी के आधार पर जब आप सिद्धांतों की बात करते हैं, आप सिद्धांतों की बात करते हैं, जब आप पार्टी की आरएसएस के उन पवित्र सिद्धांतों की बात करते हैं जिनको लेकर के एक मोटिव के साथ में चले थे, उन सब पे जब आप बात करते हैं, तब आप जब जिताऊ कैंडिडेट के नाम पे उन दागदार लोगों को टिकट देते हैं, तो उस स्थिति में जनता एक आपके प्रति जो भावना जो उसमें विकसित होती है, वो कलुषित भावना जो आती है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि तकलीफ दे होती है? कि कौन दागदार, किसको दागदार कहेंगे? एक बार आप एक दो तीन कुछ बताएंगे? नहीं, एक भी ऐसा शुक्ला जी कोई दागदार व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा में लेकर के आई हो। अगली बात यह है कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को लेकर के जिनकी तथाकथित जिनके ऊपर आपने कोई टिप्पणी की है जी, हालांकि एक भी आदमी ऐसा नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो अगर आपकी बात में बड़ी कर दूं, लोकसभा चुनाव 2014 का था, उससे पहले बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। 2014 का विधानसभा का चुनाव था, उसके समय भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग दूसरे दलों से आए, और अब 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व में भी और इसके बाद भी लोग बहुत सारे आते जा रहे हैं। देखिए, इन सब पुराने कार्यकर्ता और इन नए कार्यकर्ता नेताओं के को साथ लेकर के, इन सब के संयुक्त प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी बनी और प्रदेश में भी बनी। अगर आज हमारी सरकार है तभी तो पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का जो भाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसको पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फैसला किया जाता है, तय किया जाता है, टारगेट रखा जाता है कि 2022 तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति देश के किसी भी कोने में हो जिसके पास अपनी छत नहीं, उसको छत उपलब्ध करवाएंगे, 5,00,000 रुपए तक का उस परिवार को इलाज फ्री में देंगे, किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य देंगे, किसान की फसल की लागत कम हो इसके लिए 6,000 प्रत्येक वर्ष उसके खाते में केंद्र की सरकार डालेगी, 6,000 रुपये हरियाणा की सरकार डालेगी, हरियाणा के देश के किसान की फसल की बिक्री को हम सुनिश्चित करेंगे, उसके खेत पर टेल तक पानी पहुंचाएंगे, ऐसी सब बातें साथ साथ के मेरिट के आधार पर हम बेरोजगार नौजवान को रोजगार देंगे। अगर ये बातें हम सब पूरी कर पाए तो नए और पुराने सब लोगों ने संयुक्त प्रयास किया उसके कारण से कर पाए। आप एक बात बताइए, अगर आपकी बात को मैं ठीक भी मान लूं कि दागदार लोगों को हमने लिया होगा, पहली बात तो लिया नहीं, अगर आपकी बात को भी मैं मान लूं तो क्या ऐसे दागदार लोगों को साथ लेकर के क्यों कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया क्या जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सके? आप उंगली उठाने की बात करते हैं, आपके जो इस समय
जितने एमएलए हैं, जो भी लोग हैं आपके साथ में हैं, अब आप जब चूंकि टिकटों का दौर चलेगा, टिकट देने का भीड़ आएगी, कुछ बाहर से आएगी, कुछ दूसरे आएंगे, ऐसी स्थिति में क्या आप उन एथिक्स को जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के होते थे उन सबके मानदंड पे खरे उतरने वाले को ही देंगे, या जिन लोगों ने अपने रिजल्ट्स में जनता से दूसरी तरीके से जो फेल रहे हैं या जिन्होंने जिनके व्यवहार अतीत में गलत रहे हैं उनको आप रिजेक्ट करेंगे? जिसी मैं एक बात बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहता हूँ जी, जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं जी, पुराने हैं, नए हैं, नए आए हैं भारतीय जनता पार्टी के विचार को स्वीकार करके आए हैं, ऐसे लोग जिनके मन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिन्होंने एक बहुत बड़ा विचार, बहुत बड़ा राजनीतिक दर्शन भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप में दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एक आत्म मानव दर्शन दिया और जनसेवा के लिए अंतिम व्यक्ति जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके लिए अंत्योदय का मंत्र हमें दिया, इसको स्वीकार करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहा है या काम कर रहा है ऐसे लोगों में से, और जो इस भाव को सरकार आने के बाद पूर्ण रूप से करने में अपने आप को सक्षम मानता और हम उसको सक्षम मानते हों, ऐसे सब लोगों पर खुले दिल से हम लोग विचार करके टिकट लोकसभा में भी दे पाए थे और अगले चुनाव में भी इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर के जिसके मन के अंदर सेवा का जज्बा हो, जो जीत सकने की क्षमता रखता हो, ऐसे सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट के रूप में उनके ऊपर विचार करेगी और किसी भी प्रकार के दबाव में जी, ना तो हमारी पार्टी लोकसभा के चुनाव में हमारे ऊपर बहुत दबाव थे जी, बहुत सारे एक एक सीट के ऊपर इतने दावेदार कार्यकर्ता थे जी, ना उसमें दबाव में पार्टी ने काम किया, ना इस चुनाव में दबाव में काम करेगी। जो भी सक्षम व्यक्ति और पार्टी के विचार को लेकर के आगे बढ़ने की उसके अंदर क्षमता हो, जनता की सेवा की क्षमता हो, ऐसे लोगों में से विचार करके हम लोग टिकट वितरण करने वाले हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप अपने मुख्यमंत्री को और उनके कार्यों को मिला करके क्या नंबर देते हैं? 10 में यदि हम काउंट करें तो आप क्या नंबर देते हैं? उन्होंने कितना? देखिए, नंबर के चक्कर में मुझे लगता है नहीं आना चाहिए जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपनी पूरी क्षमता के साथ जी काम किया। मैं देखता हूँ, मैं बहुत नज़दीक से उनको देखता हूँ कि कितना समय वो जनता की सेवा करने के काम के अंदर लगाते हैं जी। हमने पहले दूर से जो सरकारें देखी थी उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में सुना था, पढ़ा था, चर्चाएं होती थी कि किस प्रकार से काम करते हैं, इनको तो हमने स्पष्ट रूप से साथ काम करते हुए इनको मैंने देखा है, जिस भाव के साथ काम करते हैं और जितना समय लगाते हैं जी, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा काम अब तक के सर्वाधिक जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है, उनमें सबसे आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। लेकिन अगर हम नंबर के आधार पर 10 के 10 नंबर की हम बात करें तो फिर अपने आप में वो अन्याय होता है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, निसंदेह रूप में सबसे अच्छा काम किया है, लेकिन उनमें और अच्छा काम करने की क्षमता भी है और उनकी इच्छा भी है, इसी को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम संतुष्ट होकर के बैठ जाएंगे तो और अच्छा करने की, और ज्यादा करने की, ये फिर ये ललक खत्म हो जाएगी। हम इस ललक को खत्म करना नहीं चाहते, जनता की सेवा की ललक हमारे अंदर जीवित रहे, जिंदा रहे, उसको लेकर के हम और ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़े, इसलिए संतुष्ट अपने काम से कभी होना। भारतीय जनता पार्टी की सोच होती थी, मुझे लगता है आज भी होगी, हो सकता है कि संगठन बड़ा होता है, संस्था बड़ी होती है, व्यक्ति और सरकारें छोटी होती हैं। क्या आज भी वो चीज़ कायम है और उस नियत पे काम करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति, जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान, जो कल था वही आज है, वही आगे रहेगा। भारतीय, देखिए, काम करने का केवल तरीका बदलता है, सोच नहीं बदल, सोच बदल दी तो फिर हमने हमारा जो सिद्धांत है उसी को छोड़ दिया जी।
केवल काम करने का तरीका बदलता है। आज तेज गति के साथ काम करने की जरूरत है, आज केवल उसी बात को लेकर के तेज गति के साथ काम करने की आवश्यकता के आधार पर पार्टी और सरकारें आगे बढ़ती हैं, लेकिन विचार सिद्धांत ये भारतीय जनता पार्टी का जो था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दे करके गए थे, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का विचार और उसके आदर्श सर्वोपरि हैं, यह कहना है सुभाष बराला का। बराल साहब आपके तमाम सारे सवालों के जवाब दे रहे थे और उन्होंने बड़े साफगोई से हर चीज को स्वीकारा, धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ में, एक और सवालों के साथ में। धन्यवाद।